बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी खुद की शादी में नहीं किया अपने पापा शत्रुघ्न सिन्हा को इनवाइट। आखिरकार क्यों अपनी बेटी सोनाक्षी सिन्हा की शादी से नाराज है पापा शत्रुघ्न सिन्हा? आखिरकार क्यों शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा आजकल के बच्चे अपनी शादी के लिए नहीं लेते माँ बाप से परमिशन। हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस तरह के चैनल में। मैं हूँ आपकी दोस्त पूनम अधिकारी। भाई इस वक्त हर तरफ यही खबरें छाई हुई है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस और साथ ही शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा इसी महीने 23 जून को शादी करने वाली है। लेकिन हाल ही में जब सोनाक्षी सिन्हा के पिता शत्रुघ्न सिन्हा से इस शादी के बारे में पूछा गया कि उनकी बेटी की शादी होने वाली है, कैसी तैयारियां चल रही हैं घर पर, तो इस पर शत्रुघ्न सिन्हा ने बहुत ही हैरान करने वाला जवाब दिया। जिसके बाद अब ये सामने निकल कर आ रहा है कि सोनाक्षी सिन्हा ने खुद अपने पिता शत्रुघ्न सिन्हा को ही अपनी शादी में इनवाइट नहीं किया है। यहाँ तक कि शत्रुघ्न सिन्हा को तो अपनी बेटी सोनाक्षी की शादी के बारे में कुछ पता भी नहीं है। अभी पूरा मामला क्या है वो सब बताने से पहले, जैसे कि मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ, चैनल में नए हैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जी हाँ, शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा इस वक्त अपनी शादी को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है। ऐसा कहा जा रहा है कि 23 जून को शिल्पा शेट्टी के रेस्टोरेंट में जो सोनाक्षी सिन्हा है वो खास रिश्तेदारों के बीच में और कम दोस्तों के बीच में ये शादी करने वाली है। ऐसा कहा जा रहा है कि जो सिन्हा का घर है यानी सोनाक्षी का जो फैमिली है उसमें शादी की तैयारियां भी शुरू हो गई है। लेकिन इस बीच में जब हाल ही में सोनाक्षी सिन्हा के पिता शत्रुघ्न सिन्हा जो कि जाने माने एक्टर हैं उनसे सोनाक्षी की अपनी उनकी बेटी सोनाक्षी की शादी के बारे में पूछा गया तो जो शत्रुघ्न सिन्हा है उन्होंने बहुत ही हैरान करने वाला एक बयान दिया। दरअसल शत्रुघ्न सिन्हा से जब ये पूछा गया कि सोनाक्षी की शादी होने वाली है, घर में तैयारी कैसे चल रही है, तो इसमें शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि मैं इस वक्त दिल्ली में आया हुआ हूँ क्योंकि चुनाव के नतीजे सामने आए हैं और मैं इस वक्त राजनीति में थोड़ा ज्यादा बिजी हूँ। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मुझे अभी तक सोनाक्षी ने अपनी शादी के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। मुझे भी मीडिया और अखबारों से ही पता चल रहा है कि मेरी बेटी सोनाक्षी सिन्हा 23 जून को शादी कर रही है। इस पर जब ये पूछा गया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी बेटी ने शादी का फैसला ले लिया और आप ही को नहीं पता हो, तो इस पर शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा मेरी बेटी बहुत समझदार है, वो जो भी फैसला लेगी मुझे पूरा यकीन है कि वो बिल्कुल सही होगा। लेकिन आजकल के बच्चे क्या है बहुत ज्यादा मॉडर्न हो जाते हैं और आजकल के बच्चे शादी के लिए मम्मी पापा से परमिशन नहीं लेते, सिर्फ मम्मी पापा को बता देते हैं कि इस तारीख को हमारी शादी है और इस तारीख को आ जाना। सोचिए शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी बेटी सोनाक्षी सिन्हा की शादी को लेकर ये बोला है, अब तक उनकी बेटी ने उन्हें बताया नहीं है कि उसकी शादी होने वाली है। ये हैरान करने वाला नहीं है भैया, ऐसे कैसे हो सकता है कि एक बेटी अपने पिता को ना बताए कि मेरी शादी होने वाली है, और ऐसे कैसे हो सकता है कि एक पिता इतने आराम से बोल दे ये सारी चीजें। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा ने यह भी बोला है कि अगर सचमुच सोनाक्षी सिन्हा मेरी बेटी इस महीने को शादी कर रही है तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं उनको और मैं जब भी वो मुझे बोलेगी कि पापा मेरी शादी है मैं बारात के आगे नाचने के लिए आ जाऊंगा। आपको बता दूं कि ये भी खबरें आ रही हैं लगातार पिछले कई दिनों से कि जो शत्रुघ्न सिन्हा है वो अपनी बेटी की शादी को लेकर बहुत ज्यादा खुश नहीं है। दरअसल सोनाक्षी एक हिंदू धर्म से आती हैं और जो उनके हस्बैंड है जहीर इकबाल वो एक मुस्लिम धर्म से आते हैं, तो ये अलग अलग धर्मों की शादी है। तो इस वजह से भी कहा जा रहा है कि शत्रुघ्न सिन्हा कहीं ना कहीं अपनी बेटी की शादी से नाराज है। और अगर भले ही शत्रुघ्न सिन्हा ने ये बोल दिया है कि अगर उनकी बेटी की शादी हो रही है तो वो जरूर आएंगे, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अगर सोनाक्षी सिन्हा ये शादी करती है तो हो सकता है शत्रुघ्न सिन्हा इस शादी में ना आए, क्योंकि कहीं ना कहीं शत्रुघ्न सिन्हा इस शादी के खिलाफ है। और कहीं ना कहीं जब शत्रुघ्न सिन्हा ने ये बोल दिया कि उनको अभी तक उनकी बेटी ने बताया ही नहीं है कि वो इसी महीने शादी करने जा रही है, मतलब 12 दिन बाद वो शादी करने जा रही है, जब शत्रुघ्न सिन्हा ने ये बोल दिया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं साफ है कि सोनाक्षी ने अब तक अपनी शादी के बारे में अपने घर वालों को तो नहीं बताया। फिलहाल अब हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जो सस्पेंस है ये जल्द से जल्द खत्म हो जाए और जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाए। आज के बस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।